की प्रेस वार्ता में आप सबका अभिनंदन है। पूरे दिल्ली में पानी और बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ और दिल्ली के मुख्यमंत्री फोटो अपॉर्चुनिटी दिल्ली में कर रहे हैं। पानी की बेहद समस्या है, बिजली जो कि पीक डिमांड हो चुकी क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी है, उसके बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री के जो भी निर्णय है इसी इशू पर आज ये प्रेस वार्ता रखी है। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष वरिष्ठ नेता आदरणीय मनोज तिवारी जी हैं, हमारे साथ मीडिया के प्रभारी प्रत्युष कट जी, सह प्रभारी नीलकांत बख्शी जी हैं। मैं आदरणीय अध्यक्ष से आग्रह करूंगा आज की प्रेस वार्ता को संबोधित। दोस्तों नमस्कार, आशा है आप लोगों को भी ये गर्मी वैसे ही परेशान कर रही होगी जैसे दिल्ली के 2.25 करोड़ लोगों को परेशान कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इससे बड़ी चिंतित है कि जब जब दिल्ली में गर्मी का मौसम आता है तो दिल्ली के लोगों को राहत देने के लिए जो समर एक्शन प्लान बनता है दिल्ली सरकार के द्वारा, अभी तक दिल्ली सरकार ने कोई भी समर एक्शन प्लान नहीं बनाया। दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली में रहने वाले लोगों की आशा आकांक्षा की पूर्ति के लिए दिल्ली सरकार की जितनी जिम्मेदारी है उसके तहत समर एक्शन प्लान बहुत ही आवश्यक कदम होता है। हमें आश्चर्य है इस बात का कि दिल्ली का तापमान 48 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टच करने लगा है और अरविंद केजरीवाल जी समर एक्शन प्लान पे न तो कोई बात किसी के सामने लाए हैं, न तो कोई समर एक्शन प्लान आया है। इस आधार पे एक बार फिर से यह सिद्ध होता है कि अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली की जो दिल्ली सरकार है, अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की, वो बिल्कुल विजन लेस सरकार है। इसका कोई भी विजन नहीं है, ये एक बार फिर से स्पष्ट हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले जब मैं मीडिया के थ्रू दिल्ली के लोगों से बात कर रहा था तो मैंने ये शंका जताई थी कि हमारे दिल्ली में जब ठंडा आता है तो लोग सड़कों पे बेघर ठिठुर के मर जाते हैं, जब बारिश होती है तो लोगों की बसें जाम में फंस जाती हैं, पानी में कैसे कैसे दृश्य आए हैं आप सबके पास, आपके पास भी है और दिल्ली की जनता के पास भी है, और जब कड़ाके की गर्मी पड़ती है उस समय तो जीवन ऐसा बदहाल ऐसा दूभर है कि किसी के पास घर हो किसी के पास घर नहीं हो, सब लोगों को एक प्रकार से 48 डिग्री प्लस सेंटीग्रेड का ये कहर झेलना पड़ रहा है। ऐसे में अभी क्या होता था आप इसको एक बार देखें। हमारे फरवरी महीने में ही समर एक्शन प्लान आ जाता था जिससे आने वाले संकट को सॉल्व करने के लिए पहले से सरकार तैयारी करती थी दिल्ली सरकार। अभी कुछ भी नहीं है, जबकि इस समय जो दिल्ली में पानी की मारामारी है उसका जो सबसे बड़ा कारण निकल के आ रहा है वो है दिल्ली के जो जल बोर्ड के मुखिया है अरविंद केजरीवाल जी। आप सभी को पता है दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, लेकिन उनके पास जल बोर्ड का काम है और जल बोर्ड का काम करते हुए एक जो सबसे बड़ा कहर टूटा है दिल्ली पर कि ये जल बोर्ड पहले लाभ में रहता था, इसके कर्मचारियों को टाइम से पैसे मिलते थे, इसकी जो योजनाएं होती थी वो धरातल पे मजबूती से काम करने के लिए आगे बढ़ती थी जितना हो सकता था,
जब से अरविंद केजरीवाल जी बने हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली जल बोर्ड के मुखिया बने हैं, तब से दिल्ली जल बोर्ड घाटे में जा रहा है, जिसके कारण न तो कर्मचारियों को सुविधाएं मिल रही हैं उनको समय से, और न तो ये जो प्लान हो रहा है उसको करने में सक्षम हो पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन इस पर उनका कोई भी वर्जन आता नहीं है। अभी कुछ दिन पहले वो दिल्ली के कॉलोनी में किसी जगह गए थे, वो मालवीय नगर के पास गए थे, उन्होंने गए तो उनको लोकल पब्लिक ने घेर लिया, पानी 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 पानी। उन्होंने कहा 3 दिन का समय दिया कि 3 दिन के अंदर यहां से यहां पानी की व्यवस्था ठीक हो जाएगी। वो 3 दिन का 3 दिन से ज्यादा हो गया। मैं चाहता हूं कि दिल्ली की विद्वान मीडिया को भी एक बार उन लोगों से सवाल पूछना चाहिए, हम भी पूछ रहे भारतीय जनता पार्टी कि भाई 3 दिन हो गया, क्या आप घेरे हुए लोगों से बच के निकलने के लिए हथियार बनाए थे कि कम से कम मुझे यहां से भागने दो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। ऐसा ही काम उन्होंने एक बार संगम विहार में जाके किया था। संगम विहार में तो ऐसा कह दिया था, वो वीडियो भी मैंने मंगवाई है आज, और उस वीडियो को मैं आप लोगों के पास भेजूंगा, जिसमें उन्होंने चुनाव के समय बोला था कि बस सीधे सोनिया विहार से डायरेक्ट लाइन यही जोड़ दूंगा। मैंने कभी बोला था अरविंद केजरीवाल जी के लिए जब एमसीडी का चुनाव था कि किसी के 56 इंच सीने की चर्चा है और दिल्ली के मुख्यमंत्री के 56 इंच के जीव की चर्चा हो रही। 56 इंच जब जो चाहे कह दिया, वो कैसे होगा, होगा नहीं होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा काम करने वाला अगर इस देश में कोई ऐसा व्यक्ति, मुझे दुनिया में कोई होगा तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है, जो कहते जरूर है लेकिन उसको करने से या पूरा करने से उनका कोई सरोकार नहीं है। ऐसे स्थिति में हमने अपने सभी जिले के जिलाध्यक्षों को बोला है, हमने काम शुरू कर दिया कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में पानी की समस्याओं को लेकर लोग सरकार को जगाओ। आज भी नई दिल्ली जिले में भी जगाने के लिए हमारी सांसद भी उसमें शामिल हो रही हैं और आगे आने वाले समय में भी अलग अलग जिलों में अलग अलग जगह पे हम लोगों को कह रहे हैं कि लोगों की समस्याओं को लेकर के इस गूंगी भरी सरकार के कान पे आंख पे कुछ असर पड़े, जरा इसका काम करें हम लोग। आज ऐसी स्थिति में कुछ आपको जानकारियां और बताएंगे हम कि पुरानी दिल्ली में करोलबाग, पटेल नगर, राजेंद्र नगर, पहाड़गंज में पानी आ ही नहीं रहा। तुगलकाबाद, संगम विहार, देवली, छतरपुर, मेहरौली, बसंत कुंज में सूखा पड़ा है। रात को 3 बजे पानी आता है, वो भी गंदा। कैसे जिएगा दिल्ली का जनमानस? इस पे कोई प्लान हमारे मुख्यमंत्री के पास और दिल्ली जल बोर्ड का जो कार्य समाधान उनके पास नहीं है। मॉडल टाउन, चंद्रावल, रोहिणी, द्वारका, त्रिलोकपुरी, कुंडली, मौजपुर, सब जगह पानी की भारी किल्लत है। और एक सबसे बड़ा इशू, यही मुख्यमंत्री जी जब चुनाव लड़ते थे कहते मैं टैंकर माफिया को एकदम खत्म कर दूंगा। आज टैंकर माफिया का खेल खुला चल रहा है दिल्ली में। दिल्ली की जनता पानी के लिए बेहाल है और टैंकर माफियाओं का खुला खेल दिल्ली में जारी है। अभी 3 दिन पहले भी शायद वो इसी सरकार के ही लोगों ने, उन्होंने टैंकर माफिया को पकड़ा। लेकिन आप कर क्या रहे हो? आप एक दिन जाकर के आपके आंखों के सामने आ गया, ये कितनी बड़ी समस्या है। एक हमने आज डाटा तैयार किया है आपको बताने के लिए, वो भी जब उनको पकड़ा तब जब 4.5 साल बाद उनको याद आई कि अरे कुछ करना चाहिए। लेकिन आप जो सबसे बड़ी समस्या है, अब वो क्या कर रहे थे ये हमारे कान में बोल रहे हैं, मैं बोल देना चाहता हूं तो बाद में कहेंगे कि राहुल गांधी टाइप का कुछ बोल रहा था।
ये बता रहे कि वो माफिया से रेट तय कर रहे हैं, जो भी हो हम बहुत पॉजिटिव नोट पे, हम तो दिल्ली को पानी देने की बात कर रहे हैं और इनकी बातें बताते हुए कुछ आगे आपको मेरे अपनी तरफ से क्या हम कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं आज हम आपको बताने वाले हैं। यही स्थिति बुराड़ी में भी अवैध पानी के प्लांट चल रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या केजरीवाल जी ने कभी इन पे छापे मारे, कितने मारे, रिजल्ट आएगा एक भी नहीं। आपका एफर्ट जीरो है, विजन जीरो है। अभी अभी तो पानी से त्राई त्राई करी रही थी, लेकिन जहां पानी आ रहा है कई जगह लोग बोतलों में भर भर के दिखा रहे, गटर गटर से मिक्स पानी, सीवर से मिक्स पानी, लीकेज से भरा हुआ पानी, और उसके कारण किस तरह से लोग परेशान हैं, कैसे अस्पतालों में जा करके दवाइयों के बिना कई परेशानियां इस तरह की हो जा रही है कि दम टूटने तक की नौबत है। इसका एग्जैक्ट डाटा हमारे पास नहीं है, कौन किस लिए कितना बीमार कहां है, बट इसमें भी हमें आपको हम जल्दी जानकारी देंगे। एक हमारे पास डाटा है, जैसे आप लोग सोचेंगे पानी वानी का इतना चक्कर है क्या, आज डिटेल थोड़ी सी बात करते हैं। हमारे दिल्ली में डिमांड है 1125 एमजीडी पानी चाहिए, एमजीडी मिलियन गैलन पर डे, लेकिन सप्लाई कितनी है मात्र 895 एमजीडी ऑन अ गुड डे। और इसका मतलब कि जो शॉर्टेज है वो 230 एमजीडी का है। एमजीडी क्या होता है, इसको भी समझ ले हम लोग कि एक एमजीडी का मतलब 38 लाख लीटर पानी होता है। ऐसी स्थिति में हम अगर डाटा बना के देखते हैं तो 36,41,666 लोग इस पानी की समस्या, गंदे पानी से जूझ रहे हैं। दिल्ली के लगभग 37 लाख लोग पानी नहीं मिल रहा है, उनको पानी मिल ही नहीं रहा है। अभी गंदे वाले पानी तो अलग बात कर रहे हैं, मैं 37 लाख लोगों को पानी मिल ही नहीं रहा है, ऐसी स्थिति में खड़े हम इस बात पे विश्वास करते हैं कि अब तो ये समस्या है और अरविंद केजरीवाल के निकम्मे पन से, उनके इस जल बोर्ड के मुखिया के रूप में जो निकम्मापन है, अब हम केवल उसकी बात ही करें या हम कुछ रास्ता निकालें। आज हम दिल्ली की विद्वान मीडिया के थ्रू हम दिल्ली को यह बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा प्लान तैयार करी है जिसके तहत भाजपा दिल्ली सरकार में आने के बाद विद इन 4 ईयर्स हम हर घर को नल से जल देने, और ऐसा जल जिसको पी सकते हैं, जिसको पीने से अस्पताल न जाना पड़े, ऐसी व्यवस्था करने के लिए आज संकल्पित हो रही है। यह हमारा विजन है। दिल्ली की सरकार में आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने क्या किया ये हम थोड़ी देर आपको बता रहे थे, लेकिन हम कितना बताएं, हम इसको कोस कोस के क्या करें, हम इस निगेटिविटी को खुद भी सोचते हुए सुनते हुए सोच रहे इसका हल क्या होगा। अब हम हल देने की तैयारी में हैं, और इसका हल ये होगा कि एक ईमानदार, अच्छी नीयत की और अच्छी नीति बना करके काम किया जाए तो निश्चित रूप से हम दिल्ली में, हमारे पीछे चुनाव में भी नरेंद्र मोदी जी ने भी ये आपको बातें कही हैं, लेकिन उसको हम दिल्ली में पूरी तरह से लागू करके दिल्ली को साफ पानी देने की इस कवायद को हम पूरा करेंगे, ये हम दिल्ली से वादा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बार 5 साल के कार्यकाल दिल्ली में, देश में नरेंद्र मोदी जी को बिठाई दिया है दिल्ली ने, और इन सारी निगेटिव बात हम तो याद भी नहीं करना चाहते। रोज झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं तो जैसे आजकल होता है ना, फेसबुक पे जाइए तो जैसे आप बोलते हैं तो लोग लाइक और ये सब करते हैं, तो उड़ता उड़ता आता है सब इसे हवा में, अच्छा अच्छा चीज। अभी जब ये बोलते हैं
तो हमको हवा में केवल झूठ झूठ ऐसे उड़ता दिखाई देता है, झूठ झूठ झूठ। और हम बहुत सीरियस नोट पे ये बात कर रहे हैं, आपको भी ऐसे ही लगता है। अभी उन्होंने जिस प्रकार से ये फ्री वो फ्री, अभी उनके सर्वे में खत्म हो गया, इसका कोई असर नहीं हो रहा है, लोग गाली दे रहे हैं। अब वो फिर कुछ झूठ का पुलिंदा लेकर के आएंगे। ऐसी स्थिति में पानी का एक कंक्रीट प्लान भारतीय जनता पार्टी बना रही है, दिल्ली से प्रार्थना करती है कि इसका करने का मौका भारतीय जनता पार्टी को दें, क्योंकि एक हमने और भी बहुत इंपॉर्टेंट काम कर दिया है। हमारा एक बड़ा चिंता का विषय था अनऑथराइज कॉलोनीज को कैसे उनका हक दिया जाए। अनऑथराइज कॉलोनी रेगुलराइज हो, ये लाइन बहुत समय से चल रही है, लेकिन उसका फर्स्ट स्टेप क्या हो ये डिसाइड 20 साल में न तो कांग्रेस की सरकार कर सकी और न तो इस पिछले 53 महीनों में आम आदमी पार्टी के सरकार के पास कोई विजन आया। भारतीय जनता पार्टी ने इसका रास्ता निकाल दिया। आज हम आपको बहुत खुशी खुशी ये बात दिल्ली को बताना चाहते हैं।